गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है? व्हेन ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट द ऑपरेशन इज कॉल्ड ए प्रोसेस। मतलब थर्मोडायनेमिक सिस्टम जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होता है तो वो जो ऑपरेशन होता है वो कहलाता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। द प्रोसेस इन्वॉल्व द चेंज ऑफ कंडीशंस। द वेरियस टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आर, पहला होता है इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं होता, दैट मीन्स डी टी का मान क्या होता है? जीरो। तो टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट। दिस इज ऑफन अचीव बाई प्लेसिंग द सिस्टम इन ए थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट में रखने से जो सिस्टम बनता है वो बनता है आइसोथर्मल सिस्टम, और जो प्रोसेस है वो कहलाता है आइसोथर्मल प्रोसेस। यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का मान, इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन का मान शून्य होता है। नेक्स्ट होता है आइसोबारिक प्रोसेस। यहाँ पे डेल्टा पी का मान जीरो, अर्थात दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऑल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ओपन वेसल्स, खुले पात्र में या खुले तंत्र में होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाएँ खुले आइसोबारिक प्रोसेस का एग्जाम्पल होता है। बर्निंग ऑफ चारकोल या मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं? आइसोबारिक प्रोसेस के, जो कि खुले में होते हैं जहाँ पे प्रेशर परिवर्तित नहीं होता, अर्थात वन एटमोसफेयर जो प्रेशर होता है वही मेंटेन रहता है। तीसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है एडियाबेटिक प्रोसेस। यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो सकता है, तो ए प्रोसेस इन विच नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक प्लेस इज कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस, जहाँ पे हीट का एक्सचेंज नहीं होता। एडियाबेटिक प्रोसेस अकर इन आइसोलेटेड सिस्टम, ये विलगित तंत्र के अंदर एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। हाई वैक्यूम एंड हाईली पॉलिश्ड सरफेस हेल्प टू अचीव थर्मल इंसुलेशन। थर्मल इंसुलेशन अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाईली पॉलिश्ड सरफेस लेनी पड़ेगी और हाई वैक्यूम लेना पड़ेगा। जैसे इसके एग्जाम्पल होते हैं डेवार फ्लास्क, या जिसको वैक्यूम फ्लास्क भी बोल देते हैं। यहाँ पर डेल्टा क्यू जीरो होता है। एंथैल्पी में परिवर्तन पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, यदि नेगेटिव है तो टेम्परेचर बढ़ेगा और पॉजिटिव है तो टेम्परेचर घटेगा। चौथा होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, यहाँ पे वॉल्यूम में परिवर्तन नहीं होता। हीटिंग ऑफ गैस इन क्लोज्ड वेसल्स। फाइव होता है साइक्लिक प्रोसेस। व्हेन ए सिस्टम इन ए गिवन स्टेट गोज थ्रू ए नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोसेस एंड फाइनली रिटर्न टू इट इनिशियल स्टेट द ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड ए साइक्लिक प्रोसेस। मतलब विभिन्न प्रक्रमों से गुजरते हुए यदि कोई सिस्टम वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाता है तो उसे हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। इन साइक्लिक प्रोसेस ऑल द स्टेट वेरिएबल्स रिमेन कॉन्स्टेंट बिकॉज इनिशियल स्टेट बिकम फाइनल स्टेट इन साइक्लिक स्टेट। साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों ही एक होती हैं। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच जीरो होगा और इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन का मान भी जीरो होगा। ये कुछ ग्राफ दे रखे हैं, बेसिक प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक। इनका जो ग्राफ होता है वो किस तरीके से, जैसे एडियाबेटिक में स्लोप ज़्यादा होता है, आइसोथर्मल में स्लोप कम होता है। और ये साइक्लिक प्रोसेस को दिखा रखा है यहाँ पे कि किस तरीके से ज़्यादा स्लोप वाला एडियाबेटिक प्रोसेस से गुजरा, आइसोबारिक से गुजरा, आइसोकोरिक। यहाँ पे वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, ये वॉल्यूम यहाँ पे कॉन्स्टेंट, यहाँ पे प्रेशर है तो प्रेशर कॉन्स्टेंट, तो इसको आइसोबारिक बोल दिया, इसको आइसोकोरिक बोल दिया। और ये वाला जो कर्व होगा ये एडियाबेटिक का होगा, जिसको हम हिंदी में रुद्धोष्म प्रक्रम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।